बस सीधा आपको ले चलते हैं भूजल सप्ताह का समापन समारोह में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हमने अनिवार्यता नहीं कर पाए थे और इसीलिए डार्क जोन की संख्या बढ़ती गई, खारा पानी की समस्या बढ़ती गई, आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या देश के सामने एक चुनौती के प्रदेश के सामने एक चुनौती के रूप में आती हुई दिखाई दी। जब फिर से हम लोगों ने उसके प्रबंधन और संरक्षण के लिए संवर्धन के लिए फिर से कार्य योजना बनाई, आज देखते ही देखते इसमें परिवर्तित होता एक परिवर्तन देखने को मिला और इसमें सबकी सहभागिता हो सकती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवित करने में हमें मदद मिली। आप अनुमान कर सकते हैं ये नदियां कभी उस क्षेत्र विशेष के लिए कृषि उत्पादन की वे सभी वहां पर रीढ़ रही होंगी, लेकिन एक समय में लापरवाही के कारण वे नदियां लुप्त प्राय सी हो गई थी। जन सहभागिता के माध्यम से ग्राम्य विकास और अन्य विभागों ने जब जल शक्ति विभाग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, वे नदियां फिर से पुनर्जीवित हुई। अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक आह्वान किया कि प्रदेश देश के अंदर आजादी की अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव का मतलब इस देश ने अपनी आजादी को प्राप्त किए हुए 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है। जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे उस अवसर पर वर्तमान और भावी पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास क्या है। अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करते हुए दिखाई देंगे तो परिणाम हमारे सामने भी है और उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में कहा था कि हम क्या हर जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्रों में भी क्या 75-75 अमृत सरोवर बना पाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर अमृत सरोवर बनाने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है और हम लोगों ने अब तक कई अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में सफलता भी प्राप्त की है। ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र दोनों में कार्य स्वतस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई दिया। प्रदेश सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक विशेष व्यवस्था दी। शहरी क्षेत्रों में अगर एक निश्चित क्षेत्रफल से बड़े आवास अगर बनाने हैं या कोई भी सरकारी भवन बनाना हो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता उसके लिए अनिवार्य कर दी गई। उत्तर प्रदेश यद्यपि प्रकृति और परमात्मा की कृपा से अत्यंत उर्वरा भूमि रखता है और उर्वरा उत्तर प्रदेश की भूमि इसलिए है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है। हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है, हमारे पास सरफेस वाटर भी है, लेकिन जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ी और जिस तेजी के साथ उद्योग औद्योगिकीकरण हुआ और भूगर्भीय जल का दोहन हुआ, उस अनुपात में भूगर्भीय जल के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, बीच के कालखंड में उसमें बरती गई लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा और उसका परिणाम था कि अनेक विकास खंड अतिदोहित की श्रेणी में आकर के डार्क जोन की श्रेणी में चले गए थे। आज उन्हें धीरे धीरे करके फिर सामान्य स्थिति में लाने की कार्रवाई की जा रही है और 17 जुलाई को हम लोगों ने 10 जनपदों के, जिसमें बुंदेलखंड के 6 जनपद थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद थे जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, इनके 26 विकास खंडों के 550 ग्राम पंचायतों में जिस विशेष अभियान को आगे बढ़ाना था, जिसके लिए भूजल रथ यहां से प्रारंभ किए गए, वे वहां पे जन जागरूकता के इस विशेष अभियान के साथ जुड़े हुए हैं
और उस कार्यक्रम में अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम वहां तक पहुंचाने के साथ साथ लोगों को जल के एक बूंद के संरक्षण के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहे थे। अभी हमारे जल शक्ति मंत्री आपको यहां पर इसके बारे में अवगत करा रहे थे कि कैसे हमें खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे थे। वर्षा की एक एक बूंद पानी का और जल संरक्षण का, घर का पानी घर में और खेत का पानी खेत में, यानी कि पवित्र भाव के साथ अगर हर व्यक्ति इसको एक मिशन मोड पर लेकर के जल की एक एक बूंद की कीमत को समझने लग जाएगा तो आने वाले समय में जीव सृष्टि के लिए जंतु सृष्टि के लिए किसी भी प्रकार का संकट नहीं खड़ा होगा। और इस भाव के साथ हम सबको जुड़ना होगा। मेरा आह्वान होगा पूरे प्रदेश वासियों से कि जो आंदोलन जो अभियान वर्तमान में एक एक बूंद जल की जो हमारे पास पहले से भूगर्भीय जल है, इस भूगर्भीय जल को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित करने के लिए और इसकी उतनी ही मात्रा में उपयोग करें जितना आवश्यक है। अक्सर होता क्या है, आप घर में जाते होंगे कहीं जाते होंगे, पाइप पे जब से कोई पानी आता है हम उपयोग करते हैं और पानी भी पीते हैं, एक गिलास पानी लिया लेकिन नल खुला छोड़ देते हैं, बातून कर रहे हैं आपको आवश्यकता नहीं लेकिन आप उसको खुला छोड़ देते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं समझते। हमें एक एक बूंद जल की कीमत जो मौजूदा व्यवस्था उसकी भी समझनी पड़ेगी और जो व्यवस्था समाप्त यानी जो हम नई व्यवस्था देने जा रहे हैं उसको भी, चाहे वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो या इस संबंध में जो अनेक मॉडल बनाए गए हैं उन सबको भी हमें इसके साथ, अमृत सरोवर को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, पुराने सरोवर और तालाबों को कुओं को फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा और जैसे भी हो सकता है एक एक बूंद जल की अगर हम सुरक्षित करते हुए उसे संरक्षित कर सकेंगे तो भूगर्भीय जल की तथा जो संकट आएगा उस संकट से हम बच पाएंगे और उत्तर प्रदेश की जो भूमि सबसे उर्वरा भूमि मानी जाती है दुनिया के अंदर, उस भूमि की उर्वरता को जल संरक्षण के माध्यम से, भूगर्भीय जल के संरक्षण के माध्यम से हम बनाए रखने में हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। आज के इस अवसर पर भू जल के उचित संरक्षण और संवर्धन के लिए जिन संस्थाओं और महानुभावों ने यहां पर कार्य किया है मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनके साथ अन्य अनेक संगठन और संस्थाएं भी इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास करेंगी। मेरा आप सबसे आग्रह भी है कि हम लोगों को इस दिशा में और अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता अभी है। आपने देखा होगा मानसून एक महीने से ज्यादा लेट हुआ है और जब एकाएक आएगा तो उससे काफी वह वहां पर नुकसान भी करता है, लेकिन फिर भी हमारी पहले से तैयारी शासन स्तर पर तो हो रही है, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम सभी लोग मिलकर के पूरा प्रदेश इसके साथ मिलकर के इस अभियान के साथ जुड़ेगा तो हम इस पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से भूजल सप्ताह के समापन कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी महानुभावों से प्रदेशवासियों से मैं यही अपील करूंगा कि वह भूगर्भीय जल के संरक्षण के साथ साथ वर्षा की भी एक एक बूंद जल को सुरक्षित और संरक्षित करने में अपना योगदान दें जिससे जीव सृष्टि और जंतु सृष्टि को हम बचाने में अपना योगदान दे सकेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।